नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कहीं पर शिव चर्चा तो कहीं पर रुद्र महायज्ञ, आप लाइव देखिए रिपोर्टर मोहम्मद महफूज मुन्ना जी के साथ। दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना, अभी हम बथनाहा विधानसभा और मऊआबा पंचायत में और मऊआबा गांव में है, जो मैन चौक पे गांव है। और यहां जो शिव गुरु का चर्चा हो रहा है और बहुत सारा दीदी सब बैठी हुई है और चर्चा कर रही है, और हमारे यहाँ पे जो शिव गुरु का जो कार्यकर्ता है अरविंद जो है वो करा रहे अपने घर पे, तो जरा हम पूछते हैं कि शिव चर्चा करने से क्या फायदा और क्या लाभ है, और कितना दिन से चर्चा आप लोग किया जा रहा है, चर्चा करने के पीछे क्या क्या बात है, दिखावट कुछ और चर्चा कुछ और, जरा हम इन दीदी सबसे जरा हम बात करते हैं। हाँ चाची, आपका क्या नाम है? माया देवी। घर मऊआबा। तो यहाँ जो शिव गुरु का चर्चा आप लोग कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? कितना दिन से? 5-6 वर्ष से। पूछिए ना, हाँ मैडम, आपका क्या नाम है? रंजू। रंजू गुरु बहन। अच्छा, ये जो चर्चा जो आप कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? शिव शीष में हम बहुत दिनों से जुड़ल छी, कि 10-15 साल से जुड़ल छी, लेकिन शिव चर्चो जो है से बहुत दिन से हो रहा है, जैसे कोरोना के लिए जो है से रुक जाई छै, अइ के लिए फिर से शुरू भेली शिव चर्चा, तो फिर शिव चर्चा चालू 5-6 महीना से होल है, फिर रली बंद भे गेल, फिर 1 महीना से चालू है, तो अइ के लिए शिव चर्चा कैला से हमरा बहुत अनुभव भेलक। क्या फायदा हो रहा है, मतलब चर्चा करने से क्या फायदा है, फायदा बताइए। चर्चा करे से ज्ञान के अनुभूति हो रहा है, महादेव की दया से हमरा सबके जीवन में बहुत आभास हो रहा है, जो गुरु के दया से खुशहाली हमरा सबके जीवन में आ रहा है, दया महादेव की है, और एक मतलब अनुभव भी हो रहा है, गुरु महादेव मतलब गुरु भोला बाबा के रूप में माने से उतना ज्ञान न रहा होत रहलैया तैयो कते के दिन से, लेकिन फिर लॉकडाउन में दर के बंद है, इधर के शुरू होत रहलैया, तो फिर शुरू भेलैया, तो फिर हम सब जुड़ल छी में, तो जुड़ल छी, तो इमे पैसो ईसो आपसे कोई ले रहा है चर्चा कराने का, या पैसा के कोई नाम चर्चा नहीं, कोई ये नहीं ना। तो ये आप जो चर्चा कर रहे हैं, इससे क्या लाभ आपको आज तक मिला है? लाभ तो पूरे महादेव जी के देन है, पूरा शरीर तो हुनकरे देन है, उनके ऊपर तो दुनिया चल रहा है, तो इमे लाभ तो पूरा शरीर हुन देले छथिन, तो इमे लाभ हम कथि देथिन? तो वो जो है तो घर में मतलब अपने पति का, या घर में लड़का हो या पुतो हो, वो सबका इज्जत व्यवहार रखते है ना जी। अब ऐसा ना हो कि यहाँ आए चर्चा करने और घर में जाके लड़ो, ना ना, गुरु मतलब ज्ञान दे रहा है, तो ऐसा ना हो कि गुरु का नाम खराब करे, इधर चर्चा करे और उधर झगड़ा करे, वो सब ना हो कि चाहिए। तो आप अपने यहाँ कब बुला रहे हैं हमको, कब चर्चा करा रहे हैं, ये जवाब हमको दीजिए। यहाँ बीफे के बीफे हो ची तो हम सब चल, नहीं आप अपने यहाँ, आप अपने गाँव में, हम लोग यहाँ स्वयं के स्वयं हो, ठीक है, तो हमको बुलाइएगा ना उस दिन, पथी देव तब ना पर्चे चर्चा। आप जो ये आपके घर पे चर्चा है, ये हाँ, आप चर्चा करा हाँ, रहे हैं ना? हाँ, ये हम साप्ताहिक चर्चा बृहस्पत हम साप्ताहिक चर्चा हर बृहस्पत को रखते जी, जी। हैं। कोरोना काल में बंद था, जब साहब की आदेश हुई तो हम बृहस्पत अपने घर पर ही चर्चा। तो चर्चा आप करा रहे हैं, ये चर्चा का हमको कुछ फायदा दिखलाइए, क्या आपको लाभ मिल रहा है अंदरूनी से, कहीं से कंपनी से, या किसी नेता से आपको लाभ आ रहा है, कि या दीदी समय से लाभ आ रहा है, कि गुरु के माध्यम से क्या सफलता है, वो हमको जानकारी दीजिए। भाई जी, यह आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा है, जिसमें किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ चर्चा जो है यह प्रेम का विधा है। आप लोग देखते हैं कि हम सारे भाई बहन एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, यह प्रेम का विधा है।
यहाँ प्रेम का विधा, हम लोग प्रेम से कितने प्रेम पूर्वक बैठे हुए, न किसी से एक रुपया लेना है न किसी को एक रुपया देना। अच्छा, एक जानकारी, जो मैक के माध्यम से आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये मैक के माध्यम से चर्चा होने का है सब? देखिए, माइक आप लगा भी सकते हैं, यदि आपका न सक्षम है तो आप न भी लगा सकते हैं। साहब का कोई अति आदेश नहीं है, जो न लगाना लगाना। अच्छा। है ना, यह लगाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि यह शिव गुरु पर चर्चा का जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी आवाज जो है और जगह तक भाई बहनों के कान तक पहुंचे, ताकि यह भाई बहन जो है जागरूक हो कि महादेव मेरे हैं, शिव मेरे हैं। तो मैं उनकी गुरु चर्चा आप जो करा रहे हैं, तो अपने घर पे ही क्यों करा रहे, फिर और जगह क्यों नहीं करा रहे? पूरे पंचायत में, महुआवा पंचायत में कहाँ कहाँ आप करा है वो हमको बतलाइए। महुआवा पंचायत में सबसे बढ़िया अभी अभी सुरगहिया में चल रहा है, महुआवा पंचायत के सुरगहिया ग्राम में, और न मोतनाजे में ठीक से चल रहा है, न भटोलिया में चल रहा है, दोनों भटोलिया में, न लछुआ में चल रहा है, सुरगहिया और महुआवा में सुचारू रूप से साप्ताहिक चर्चा जहाँ तक बात है हर घर हर गांव में चल रही है, यहाँ वहाँ है ना। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं ना, जा के लोगों के घर में जा के लोगों को बता रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना, ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल, महादेव गुरु की दया है, यही तो साहब का आदेश है कि दूसरा सूत कर रहे हैं। तो जिसका इच्छा होता है कि नहीं मेरे गुरु हैं, तो अपने आप खर्चा करते हैं। और वैसे जैसे हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये तो महादेव सबके गुरु हैं जी, इसमें सब जैसे अपना मदद कर सकते हैं, इसमें रोकछेक नहीं है। जिनका इच्छा हो कि नहीं मेरा भी सहभागिता हो, जो उनसे बन सके वो हम लोग ले लेते हैं। जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दीदी सबको जो मन हो, गुरु बहना सबको जो मन हो, अपना 10-20 जो हो अपना ले नाम लिखावे। जी भैया जी जी जी। और आ गई, गुरु तो स्वयं अपना काम करा लेते हैं, उनकी इच्छा मात्र सृष्टि है जी, उनकी इच्छा बिना तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इसमें कोई लेनी देनी नहीं है। तो चलते हैं, और भी गुरु बहना है, जरा हम उनसे भी जरा पूछते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अरे बोलिए ना, बोलिए, जो ही बोलना है बोलिए। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, घर झिटकाइयां। यहाँ क्या करने आए हैं आप? शिव चर्चा की चाय पीने आए? चर्चा तो मन से चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी यहाँ आए कर लिया और घरे जाके भूल गए? मतलब यहाँ आप चर्चा कर रहे हैं मन से, लेकिन घर जाने के बाद आप भूल जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। मतलब भूल नहीं भूलिएगा, वादा। हाँ चाची, आपका क्या नाम है? जोर से। यहाँ जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, पैसा दे के चर्चा कर रहे हैं कि किसी के दबाव में चर्चा कर रहे हैं, ये हमको जानकारी दीजिए। ना ना पैसा को बोला, ना लगे को पैसा, मतलब किसी के दबाव में भी नहीं, नहीं। खुशी। तो चलते हैं, और भी यहाँ पे है एक। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद गुरु भाई जी। घर महुआवा जी। बड़े पैमाने पर प्रखंड स्तरीय चर्चा होती है, आप और फंक्शन कीजिए, घर में अलमाने आराधना कीजिए, तो बुलाने से भी लोग नहीं पहुंचते हैं, देखते हैं 2-4 10 रहता है। तो आपके जो मैन गुरु है, जो मैन गुरु है, जो गुरु के कोई ना कोई लेटर तो होगा, सर्टिफिकेट तो, जो समूह का। देखिए, गुरु तो महादेव है, लेकिन इस विधा का प्रवर्तक हमारे साहब श्री हरेंद्रानंद जी है जी, उन्हीं के माध्यम से आया। कह रहे हैं ना, किताबें कह रही है शिव गुरु है, लेकिन उनका जो शिष्य हुए वह जनमानस में प्रचार सार नहीं किए जी, लेकिन यह साहब श्री हरेंद्रानंद जी से आई बात कि शिव गुरु है, और शिव गुरु मानने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन भी होता है। हाँ, वही हम। हाँ, रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट है ना? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, पूरे विश्व में जैसे इसका वाहन होती है, जैसे शिव शिष्य है।
होता है रजिस्ट्रेशन जैसे। तो कभी आप गुरुजी से मुलाकात की है? हाँ भैया। जा कहाँ? देखिए गुरु कहाँ है, कहा गया है देवघर गिरजाघर, देवघर गिरजाघर ना मदीने में, वो तो बैठे हैं शिष्यों के सीने में। सीने में जी जी। तो मन गुरु आत्मा चेला दोनों का रिश्ता तो नजदीक है ही। जी जी। तो इस आत्मा से आवाज आई कि नहीं शिव गुरु है, और शिव को गुरु मानने के बाद जैसे आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे बात करते हैं तो आप बात समझते हैं जी। तो इसी तरह हम लोग अपने महादेव गुरु से सोते समय बात करते हैं कि हे शिव, जाने अनजाने में जो भूल चुक हो गई है उसे क्षमा करेंगे और अपना शिष्य बना लेंगे, और प्रतिपल उनसे बातें करते रहते हैं। यह हृदय की आवाज है। तो हमने हमने सर कई जगह गुरु चर्चा में गए, शामिल हुए, और वहाँ यहाँ तो खर्चा हम देख नहीं रहे हैं, और जगह हमने खर्चा भी बहुत ज्यादा देखे। तो जहाँ तक मेरा अंदाज है, वो खर्चा जो आप लोग कर रहे हैं एक जगह बैठ के मिल के चर्चा कर रहे, तो वो खर्चा कहाँ से, गुरु के माध्यम से आ रहा है कि ये आप लोग के माध्यम से? देखिए भैया, या अभी तो बहुत सारे धर्म है, इसमें मतलब चर्चा करने से आपको ज्ञान मिल रहा है? क्या ज्ञान मिल रहा है? ज्ञान के ऊपर हम बात करते हैं, ज्ञान कुछ हमको बतलाइए, क्या आप इससे सीखे हैं, मतलब आपको क्या लाभ मिला है? लाभ यही मिला कि जो कोई झूठ फूस ना बोले के चाही, केकरो साथ कोई अन्याय ना सोचे के चाही, बोले के चाही, सबसे एक प्रेम भाव में मिला करके रहे के चाही। हानि लाभ तो होते रहे चाही महादेव की दया से, लेकिन सब संगठन में रह करके एक दूसरे से भाव प्रेम से रहे के चाही, ये ज्ञान सब मिलिया। और धर्म सीमित भी हो कुछ भी हो, अपने महादेव पर सारा सब दुख सुख छोड़ करके गुरु के। तो ये जो आप मैडम जो करा रहे हैं यहाँ, तो हमेशा कौन कौन दिन हो रहा है, कौन कौन दिन आप समय देते और चर्चा बृहस्पत के बृहस्पत चलते हैं। और भी आदमी है, जरा हम उनसे भी पूछते हैं, जो हमारे काज करता है उनसे भी जरा हम बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गगनदेव गुरु भाई हुआ, ग्राम सिंहमाइनी जी, पोस्ट सिंहमाइनी जी, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी जी। और यह चर्चा जो हो रही है, पहले तो हम लोग अज्ञानता में थे, ज्ञान था ही नहीं, और इसी बाबा को ईश्वर कहा गया है, परमेश्वर कहा गया है, महेश्वर कहा गया है, और कहा गया चंदा सबके मामा और शिव घर घर का बाबा हो गए जी। तो बाबा रूप में तो मैं उनसे लेने का काम किया, जो आवश्यकता हुई मन जाते थे मंदिर में, पूजा पाठ करते थे और उसे लेते थे। तो आप जो ये चर्चा करा रहे हैं, तो ये पैसा लेके चर्चा करा रहे हैं कि चंदा लेके करा रहे हैं, कि कोई पार्टी इस पे या कोई नेता कोई फंड के माध्यम से करा रहे हैं, ये हमको जानकारी चाहिए? नहीं नहीं, यह आध्यात्मिक चर्चा है, यहाँ निस्वार्थ किया जाता है। और आ गई गुरु की आवश्यकता तो मानव को ही पड़ता है भैया जी। और हम लोग देखे किताबें भी कह रही है गुरु भगवान होते हैं, तो हम लोग सोचे भी गुरु जब भगवान होते तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे जी जी। तो उनको गुरु बनाने के बाद मेरा मन समझा है, जो पहले मैं जीवन जीते थे, अब जीवन जीने का तरीका अलग हो गई है जी। कैसे बैठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे बातचीत किया जाता है, यानी यह सिर्फ ये है। महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर श्री वैष्णवी देवी माता, जिनका रुद्र महायज्ञ जो है चल रहा है सेंट्रल पार्क ग्राउंड के अंदर। और आइए हम डायरेक्टली जो है माता जी से बात करेंगे कि क्यों ये किया जा रहा है, और कब से इसकी तैयारियां चल रही थी, और कितने लोग पूजा में शामिल होने की संभावना है। क्या लग रहा है कि कब से जो है आप इस के लिए पूरा जो है तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जा रहा था, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये 3 बरस की दरमियाँ सन 2000 जी, 3 बरस की दरमियाँ जी सन 2020 में जी, ये जो कोरोना काल का हाहाकार मचा जी, तो इसमें मैंने स्वयं अपनी सांस की गति रोक कर चराचर जगत के लिए महादेव से आवाहन किया कि हे विधाता जी, देवों के देव महादेव,
संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड के मालिक हो जी, और इसके अंतरिक्त चराचर जगत के लिए कुछ तो उपाय बताया जाए जो कि जिसको भगवान का दर्शन मिलता हो केवल अपना ही भलाई मांगता है। मैंने महादेव से पूछा कि हे विधाता, चराचर जगत के लिए कुछ उपाय बताइए। तो महादेव ने बोला कि चराचर जगत के लिए आपको उपाय ही करना है तो अखंड चराचर में केवल एक ही महत्वपूर्ण उपाय है, और रुद्र महायज्ञ तो सनातन काल से न कभी हुआ था न कभी भविष्य में होगा, इसे दोबारा ना दोहराया जाए। तो आपने ये सेंट्रल पार्क की जगह को क्यों चुना, कोई मंदिर वगैरह की जगह को क्यों नहीं चुना? सेंट्रल पार्क की जगह इसीलिए चुना गया है कि ये चारों तरफ जो है रास्ता चौमुख है जी, यहाँ पर सब कोई आएगा और अपने अपने ढंग से कम उनको दरस और परस मिलेगा, उनकी ज़िंदगी की संपूर्ण मलिनता और बुराई का स्वाहा हो जाएगा। तो कितने लोग जो है इस रुद्र महायज्ञ में आने की संभावना है? ये तो भगवान की माया बड़ी अनंत है जी, ये भगवान की माया बहुत ही अनंत है, जैसे कि योग माया, योग निंद्रा, महामाया, अखंड चराचर की दाता, पराशक्ति, पराब्रह्म, समस्त देवी देवता इसी भूमंडल में उतरेंगे, जिसका पंडाल रूपी 3 बरस से संपूर्ण परिश्रम चल रहा था। तो जो सत्य किसी को पता ही नहीं है उसे किसी को क्या बताया जाए। हाँ, यह पता चल जाएगी चराचर जगत कल्याण हेतु जो रुद्र महायज्ञ है वो करोणा काल नहीं करोड़ों काल को खत्म करने वाला है, यानी इससे जो है बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और लोगों के मन को शांति है एक तरह से, पूजा पाठ और ये करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी कोई भी इंसान हो जब तक वो सही सच्चे मन से पूजा पाठ नहीं करेगा उस वक्त तक जो है, आपने कहा कि कोरोना काल में लोग परेशान हुए, बेरोज़गार हुए, उन किसी की नौकरी गई, कोई खाने पीने के मोहताज रहे, हर तरह से परेशान हुए, कोई यहाँ से जो है गांव गए, गांव से इधर आए, और ये सब करने से जो है ऐसा लग रहा है कि लोगों का कल्याण होगा। कल्याण ही नहीं, महाकल्याण है। अच्छा। जैसे सूरज के सामने प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं होती है जी, वो स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। समुद्र के पास अगर कोई भी जगह से पानी डाल दिया जाए वो तो स्वयं समुद्रमय हो जाता है। इसी तरह ये तीनों लोग 14 भुवन में सृष्टि के रचना से पहले और उसके बाद में कभी भूत भविष्य वर्तमान में ये रुद्र महायज्ञ किसी का अधिकार नहीं है। स्वयं महादेव ने बोले हैं कि इसका अधिकार किसी को ना दिया जाए और इसे दोबारा ना दोहराया जाए। ऐसा नहीं है कि आपका चारों तरफ मान सम्मान स्थापित हो गया तो इसे बार बार जगह पर किया जाए। इस काम इस कार्य के अंदर कितने लोगों का कैसा कैसा सहयोग रहा? इस कार्य के अंदर अधिक सहयोग केवल मुझे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो नगर सेवक हैं, नगर पालिका के मालिक हैं और जितने यहाँ के रहनिवासी हैं, ये सब हाँ हाँ करके हाँ में हाँ जवाब दिए हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये जो पंडाल बना के दिया गया है यो तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मालूम नहीं कौन कौन सी कोर्ट पे गई तो हर जगह से केवल हाँ का सुनवाई मिली है। ये पंडाल देने वाले हमारे छित्ती और हितेंद्र ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर हैं और उनके परिवार का है ये देन कि हमारे प्रथम धर्म का स्थापित करने वाले वही हैं। और इतना लंबा चौड़ा इंतजार भी हो रहा है क्योंकि भगवान के कार्य में इतने आसानी से रुद्र महायज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, ये कितने दिन तक चलने की संभावना है, कब तक चलेगा ये? कम से कम 7 दिवस तक। 7 दिवस तक चलेगा। और इसमें कोई टाइमिंग रहेगी कि कभी भी आ जा सकते हैं या कुछ टाइमिंग बनाया गया है? इसका टाइमिंग है सुबह से, क्योंकि बाहर जो रहनिवासी आएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, केवल हमारे लिए पंडाल बनाया है तो इसमें केवल मीडिया आ सकती है और बाकी जनता जनार्दन में कोई नहीं आ सकता है। तो कितने बजे का समय रखा गया है? सुबह 7 से 10 बजे तक का इसका समय रहेगी और शाम को 3 से 7 बजे तक की टाइम रहेगी और बाकी तो स्वाहा चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये देख पा रहे हैं कि श्री वैष्णवी देवी माता का जो है रुद्र महायज्ञ चल रहा है।
और हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के ये करते हैं। हमारे साथ एक समाज सेवक है, आइए उनसे जान लेते हैं क्योंकि ये भी समाज सेवा के काम में रहते हैं और एक तरह का समझ लीजिए ये भी एक समाज सेवा ही है। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद इरशाद अंसारी जी, महाराष्ट्र प्रवक्ता हूँ मैं। क्या लगता है जागृति फाउंडेशन से? और यहाँ पे जैसे बात की जाए श्री वैष्णो देवी करके, ये जो लेडीज है यहाँ पे, जो देवी, अब ये देवी अपने आप को ये कह रही कि आज जग कौन सा आपका पूजा है? चराचर जगत कल्याण के लिए रुद्र महायज्ञ। हाँ, रुद्र महायज्ञ करके पूजा करने वाली यहाँ पे, और ये इनका सहायता के लिए जैसे लोग बहुत ही लोग इनका हेल्प करने के लिए मना किए, तो इनको सुनने में आया कि चंद्र ठाकुर के पास गए, वहाँ से इनका कुछ जो कार्यकर्ता है जैसे बाबू गौड़े करके है, तो उन्होंने ये पंडाल इनको बना के दिया। अब बाबू गौड़े हो गए, जैसे बहुत सारे लोग हैं इनका मदद करने के लिए सामने आए। अब ये जो है अपने बलबूते पे यहाँ पे पूजा स्टार्ट करने वाली है, और ये जैसा भी है अपना पूजा करे, हमें कोई इसमें आपत्ति कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ के लोग को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए कि इसलिए कि पूजा पाठ ये तो सभी के लिए है, सब एक धर्म और सब एक लोग मिल के रहें। और मेरा यही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जितने भी धर्म के लोग हैं, किसी के धर्म को कोई गलत ना बोले, किसी लोग को गलत ना बोले, किसी को ऊपर उंगली ना उठाए। यही तो वजह है कि रुद्र महायज्ञ के अंदर जितने जो है गैर मुस्लिम भाई आ रहे हैं उतने ही मुस्लिम भाई भी इसमें आ रहे हैं, और सब लोग जो है हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्म जाति का जो है सम्मान यहाँ किया जाता है जी। और हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि किसी भी धर्म को गलत नहीं कहा जाए, किसी का गीता हो। चलिए, आपका सहयोग किस तरह का रहेगा इनके साथ? हमारा बस यही है कि इनका जितना हो सकता है हम इनका यानी मदद होता है, जितना भी हेल्प होता है हम इनके लिए खड़े हैं। कुछ परमिशन है, कुछ भी है, यहाँ पे सारा ये ऑलरेडी, इनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिंदास अपने अपना पूजा चालू करिए। चलिए ठीक है, तो रुद्र महायज्ञ जो है DBS TV पर लाइव दिखाया जाएगा। आप तमाम दर्शक जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं वो रुद्र महायज्ञ में आए और पूजा पाठ में शामिल हो, अपने मन को हृदय को जो है शांतिपूर्वक जो है पूरा आप आनंद लें। आइए आप सब लोग लाइव देखिए रुद्र महायज्ञ।